Hi everyone, welcome back to my channel Anikodris. बीटरूट ड्राई फिश करी कैसे बनाते हैं देखते हैं। बहुत यम्मी सी बनती है, आप जरूर ट्राई करिएगा। करी बनाने के लिए हमें चाहिए 8 से 10 ड्राई रेड चिली, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 पेपरकॉर्न्स, रफली चॉप्ड एक छोटा ऑनियन, 5 बड़े गार्लिक क्लोव्स, 1/2 कप ग्रेटेड कोकोनट, थोड़ा सा हल्दी और पानी। इसे साथ मिलाकर हमें अच्छे से पेस्ट बनाना है इसका। जिस बर्तन में आप करी बनाना चाहते हैं उस बर्तन को गर्म होने दें। गर्म होने के बाद जो हमने पेस्ट बना लिया है उसे उस बर्तन में ऐड कर लें। अभी आपको करी की कंसिस्टेंसी जितनी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। पानी ऐड करने के बाद इसका लिड कवर कर लें और करी को अच्छे से बॉईल होने दें थोड़ी देर के लिए। करी अब अच्छे से बॉईल हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 बड़े चॉप्ड बीटरूट। मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में कट किया है, आप अपने मर्जी के शेप में कट करके इसे अच्छे से कुक होने दें। बीटरूट ऐड करने के बाद करी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक बन जाती है, तो इसीलिए बीच बीच में जब तक कुक ना हो तब तक स्पून डाल के थोड़ा मिक्स करते रहिएगा। बीटरूट अच्छे से कुक हो चुका है। मैंने यहाँ पे 1 कप ड्राई फिश ले लिया है, 2 तरीके के ड्राई फिश मैंने लिए हैं और इसे 2-3 बार अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है क्योंकि इसमें नमक बहुत होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो भी फिश लें उसे अच्छे से वॉश कर लें। अगर आप ड्राई प्रॉन्स लेते हैं तो उसे वॉश करने की जरूरत नहीं, आप थोड़ी देर रोस्ट कर लें और फिर ऐड कर लें। ऐड करने के बाद एक अच्छे से मिक्स करें, उसे कुक होने दें। जैसे कि मैंने आपको बताया ड्राई फिश में ऑलरेडी नमक होता है, तो इसीलिए एंड में मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ जो कम पड़ गया था। आप पहले से नमक किसी ड्राई फिश रेसिपी में ऐड नहीं करें। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।